आज हम बनाने वाले हैं अंगूर का टेस्टी जैम और इसकी रेसिपी ना बहुत ही आसान है। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं अंगूर का जैम। वो हुआ ये कि कल मैं गई फ्रूट्स लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पे अंगूर लिए और टेस्ट किया उस गुच्छे को, तो वो अंगूर मीठे थे। लेकिन भैया ने क्या करा कि बाकी के जो गुच्छे ऐड किए ना, तो वो अंगूर निकल गए कुछ खट्टे, यानी खट्टे मीठे अंगूर। तो भाई हमसे तो वो खाए नहीं जा रहे, लेकिन फेंक भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टेस्टी सी रेसिपी बनाई जाए इसकी, ताकि हमारे जो अंगूर है वो भी यूटिलाइज हो जाए। तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं अंगूर का टेस्टी जैम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम ये अंगूर का जैम बना रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, जबकि इसमें आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स पड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से और कितने कितने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं क्वांटिटी वाइज। ये है 1/2 किलो अंगूर, तो इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, और ये है 200 ग्राम चीनी, और इनके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 1 नींबू, जिसमें से कि हम सिर्फ आधा ही डालेंगे, और ये है ग्रीन फूड कलर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अंगूरों को करेंगे ग्राइंड, और साथ में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यानी पानी वगैरह हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और अब हमने यहाँ पर अंगूरों को कर लिया है ग्राइंड, तो चलिए करते हैं आगे का प्रोसीजर शुरू, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर पैन हो चुका है गरम, तो हमने ऐड कर लिए यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ सारा अंगूर, और हम यहाँ पर चीनी लेंगे और चीनी भी साथ में ऐड कर देंगे, और दोनों को मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से कुक होने देंगे, जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ से ज़्यादा कम नहीं हो जाती। और देखिए यहाँ पर उबाल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बीच बीच में हिलाती भी जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के बिल्कुल अलग खड़े हो जाएं। तो देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया ना, और यहाँ पर तो अब लगभग ये आधा ही हो चुका है क्वांटिटी में, लेकिन हमें इससे ज़्यादा अभी और इसे कुक करना है, ताकि इसकी थिकनेस और बढ़ जाए। और अब आप देख सकते हैं कि और भी ज़्यादा ये थिक हो गया है, और क्वांटिटी वाइज ये रिड्यूस भी हो गया है, यानी कम। तो इस स्टेज में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। और हाँ, अगर आपके अंगूर मीठे हैं और आपको उनसे जैम बनाना है, तब उस केस में आप 1/2 की जगह 1 नींबू ऐड कीजिएगा, ताकि उसमें थोड़ा सा खट्टापन तो आए ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, तभी तो जैम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ ही में हम ऐड करेंगे 1/2 चुटकी फूड कलर, बहुत ही कम, हमें ज़्यादा नहीं डालना, हमें बस इसको नेचुरल टच देना है। जैसे कि अंगूर का एक ओरिजिनल कलर होता है ना, सेम हमें वही कलर यहाँ पर मेंटेन रखना है। और यहाँ पर आपको डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पैन जो है ये ब्लैक कलर का है, लेकिन जब हमारा ये तैयार हो जाएगा ना जैम, तो आप देखिएगा बहुत ही इसका सुंदर कलर आया है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर गैस को कम कर दिया है बिल्कुल, और हम इसे करेंगे चेक। तो इसके लिए हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे प्लेट में और इस तरह से टेढ़ा करेंगे। तो देखिए अगर इस पे पानी होता ना, तो पानी नीचे आ जाता, लेकिन ये बिल्कुल जैम है और परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। और जैसे ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए गैस को कर लेते हैं बंद, और अपने टेस्टी अंगूर के जैम को करते हैं सर्व। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर इसका कलर भी लग रहा है, और भाई हमने तो इसे टेस्ट भी कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना, परफेक्ट। दुकान से ज़्यादा हम जो लाकर खाते हैं ना शॉप से, उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। अगर आपको एक बार ये बनाना आ गया ना, तो आप बाहर से बिल्कुल भी लेकर के नहीं खाएंगे। और मार्केट में वैसे भी जो एप्पल जैम है या ऑरेंज जैम है वो तो काफ़ी मिलते हैं, लेकिन ग्रेप्स का जो जैम है ना वो बहुत ही कम मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है, वैसे वैसे बिल्कुल एक जैम की फॉर्म इसने ले ली है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ब्रेड में भी इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और आप देखिए जैसे बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे जैम की होती है, और कलर भी बिल्कुल ग्रेप्स वाला है, क्योंकि बहुत ही कम हमने कलर जो इसमें डाला था। और हाँ एक बात और, अगर आपको ज़्यादा मीठा जैम पसंद ना हो जैसे कि नॉर्मल होता है, तो आप फिर उस केस में सिर्फ 150 ग्राम चीनी ही ऐड कीजिएगा। सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जैम बनता है ये, जबकि इसे आपने देखा होगा कि बनाना कितना आसान है। तो चलिए हमने तो कर लिया है अपने टेस्टी जैम को सर्व, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो आप भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।